जेट धाराएं भाग एक। जेट धाराएं वायु की धाराएं हैं जो हमारे ग्रह के चारों ओर ऊंचाई पर वातावरण में क्षोभ मंडल के स्तर पर प्रवाहित होती हैं। इस विषय को पूरा कर लेने के बाद विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे। जेट धाराओं के इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य बताने में, जेट धाराओं की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करने में। जेट धाराओं से आशय ऊपरी वायु परिसंचरण से है। अमेरिकन पायलट विली पोस्ट 1933 में विश्व भर में अकेले हवाई यात्रा करने वाला वह पहला व्यक्ति था जिसे जेट धाराओं की खोज करने का श्रेय जाता है। इसकी अवधारणा का और अधिक वर्णन एरिक पालमेन और विल्हेम जेरनेस ने किया। वे फिनलैंड में मौसम विज्ञान के अनुसंधान करता थे। जेट फायर बलून का पहला व्यवहारिक उपयोग तब किया गया जब जापानियों ने विश्व युद्ध दो की समाप्ति के समय प्रशांत महासागर पर स्थित उत्तरी अमेरिका के तट तक पहुंचने के लिए जेट धाराओं का उपयोग करके अमेरिका पर आक्रमण किया। जेट धाराएं वायुमंडल की कुछ सबसे सशक्त वायु धाराओं में से एक हैं। उनकी गति सामान्यतः 57 मील प्रति घंटे से लेकर 275 मील प्रति घंटे तक होती है। वे अत्यधिक ऊंचाइयों पर 30,000 फीट से ऊपर के ऊपरी वातावरण में होती है। वे कुछ 100 मीटर चौड़ी और 3 मील मोटी होती है। वे वहां पर बनती है जहां वायुमंडल में तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। वे ठंडे और गर्म वायु द्रव्यमान के बीच बनती है। जेट धाराओं के क्षेत्रों का उपयोग हवाई यात्राओं में किया जाता है। वायु यानों को पश्चिम की ओर उड़ान भरते समय अधिक ईंधन और समय की आवश्यकता होती है, जबकि पूर्व की ओर यात्रा करते समय अधिक समय और ईंधन बचाते हैं। बैलून यात्री यात्रा करने के लिए जेट धाराओं का उपयोग करते हैं। आइए अब इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न, जेट धाराओं का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर है विली पोस्ट। अगला प्रश्न है, जेट धाराओं से आशय है? इसका सही उत्तर है ऊपरी वायु परिसंचरण। अगला प्रश्न है, जेट धाराओं की गति किस गति सीमा में होती है? इसका सही उत्तर है 57 मील प्रति घंटे से लेकर 275 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, जेट धाराओं का उपयोग इनके द्वारा
किया जाता है? इसका सही उत्तर है अ और ब दोनों। अगला प्रश्न है, जेट धाराएं किस ऊंचाई पर पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है 30,000 फीट से अधिक।